हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज़ीनस क्रिएशंस अगेन। और आज की वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है और आप लोगों के साथ शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 12 सितंबर 2021 को एक इंटरव्यू मेरा लिया गया, छोटा सा इंटरव्यू एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक वेबिनार में, और वही मैं आज आपके साथ क्लिप शेयर करने जा रही हूँ। ये जो वेबिनार था ये दो ऑर्गेनाइजर्स ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था, EUS एंड इन कोलैबोरेशन विद वेमेंस इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने ये ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स जो मेन हमारे थे वो थी मिसेस रिचा सिंह मैम एंड डॉक्टर मलका ग्रेवाल मैम, और टॉपिक जो था हमारी वेबिनार का वो था डेयर टू फॉलो योर ड्रीम्स, जहाँ पर मेरा एक छोटा सा एंड में इंटरव्यू टाइप लिया गया। चीफ गेस्ट यहाँ पर थे प्रीति श्रीवास्तवा मैम, हु इज एंड सीनियर वाइस प्रेजिडेंट इन कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, एंड सेकेंड हमारी चीफ गेस्ट थी मिस अर्शी अयूब मोहम्मद जावेरी मैम, जो CEO हैं सीनियर एडवाइजर एट रॉयल फैमिलीज UAE से। एंड गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे थे मिस्टर जयंत चौधरी सर, जो चेयरमैन हैं इंटरनेशनल यूनाइटेड एजुकेशनिस्ट फ्रेटर्निटी के। एंड नेक्स्ट हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर थी डॉक्टर नीरा तोमर मैम, जिनको सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, जो प्रिंसिपल हैं मल्लू सिंह आर्या कन्या इंटरनेशनल कॉलेज की। एंड सभी के साथ यहाँ तक कि जो होस्ट थे वो भी ग्रेट पर्सनालिटीज थी, जिसमें सबसे पहले नाम लूँगी मिसेस वीना अरोड़ा मैम का, राजरानी शर्मा मैम, बबीता सोम मैम, गीता सचदेवा मैम, श्वेता भारद्वाज मैम एंड रितिका कांचला, एंड ऑल ऑफ देम वर सो गुड। सबका बहुत अच्छा, सबने अपने अपने व्यूज प्रेजेंट करे, सबने अपनी स्टोरीज बताई। और अगर किसी को ये फुल वेबिनार देखना है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, नहीं तो आप मुझे DM कर सकते हैं या फिर कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी पूरी लाइव का, क्योंकि पूरी लाइव रिकॉर्ड हुई थी। और तो चलिए मेरा वाला पार्ट देखते हैं और अपने व्यूज बताइएगा मुझे कॉमेंट्स में, और प्रेयर करिएगा कि अभी ये 1.5 मिनट का था और आगे इंशाल्लाह 3-3 घंटे की वेबिनार्स आई विल टेक इंडिपेंडेंटली, सो लेट्स टेक हैव अ लुक एट दैट। अभी मैं फीडबैक की बात कर रही थी तो हमारे बीच में एक स्टूडेंट है जीनत जहां। जीनत क्या आप मुझे सुन रही हैं? जीनत अनम्यूट, इधर से म्यूट कीजिए, म्यूट है शायद उधर से वो अब हो गई शायद। जीनत नाउ यू आर अनम्यूट। तो मेरा आपसे प्रश्न है बेटा कि आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में, जैसे ही आप 12th पास की आप अपनी स्कूल की टॉपर रही, और उसके बाद आपने अपना जीनत क्रिएशन करके एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो क्या उसमें आपको कोई रुकावटें और उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हुई और आपको किस तरह की सामना करना पड़ा और कितने लोगों ने आपको साथ दिया उस चीज में? प्लीज लेट मी सी द जीनत इफ शी इज ऑडिबल। हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस यस, सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ। यस ओके, तो थैंक यू सो मच वीना मैम फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सो जैसे कि बैरियर्स की बात करिए, मैंने क्लास 12th के बाद मेरे साथ काफी इंसिडेंट हुए, मेरी दो स्पाइनल सर्जरीज हो चुकी हैं, जो सबसे बड़ा बैरियर रहा मेरे लिए। और एक बात कही थी मुझे जब मैं बेड पर थी, टोटल बेड रेस्ट पे थी मैं 4 महीने, मेरे को उठना भी अलाउड नहीं था, तब मुझे मेरे एक भैया ने एक बात कही थी कि जीनत जिन लोगों की कहानियां लिखी जाती है ना, उनकी कहानी में जब तक डाउनफॉल ना आए जब तक लोगों को स्पाइस नहीं लगता। तो तुम्हारी कहानी में ये जो डाउनफॉल आया है ना, ये इसीलिए आया है क्योंकि आगे वो गोल्डन पीरियड आने वाला है, तो उसके लिए खुद को रेडी करो। तो मैंने जो अपना सबसे पहला क्रोशे का कार्डिगन बनाया था वो मैंने लेटे लेटे बनाया था, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकती थी, खाना भी लेटे लेटे, मतलब हर एक चीज जो थी लेटे लेटे ही होती थी। उसके बाद मैंने सोचा, मुझे फर्स्ट ऑर्डर जो मिला था फेसबुक के थ्रू मिला था, मैंने जीनत्स क्रिएशंस के नाम से हर जगह पर अपने पेजेस बनाए, इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं आप मुझे, फेसबुक पर देख सकते हैं, एटसी, यूट्यूब, हर जगह पर। तो सोशल मीडिया को मैंने जो है अपना एक सबसे बड़ा हथियार कहेंगे जो मैंने बनाया,
और सबसे बड़ा टूल, मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ, फोर्थ ईयर में आ चुकी हूँ, पढ़ाई के साथ साथ मैं ये सब करती हूँ। उसके साथ ही और बैरियर्स देखे जाए तो फाइनेंशियल बैरियर्स भी हमारे साथ आते हैं। तो आज के टाइम पर आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया, मैंने कई जगह पर फॉरेन पर मेरे प्रोडक्ट्स जाते हैं। द मेन प्रोडक्ट्स जो मेरे जाते हैं वो होते हैं क्रोशे के। एंड जिस तरह से मैम ने बोला था स्टार्टिंग में कि जब आप देखते हैं कि लड़कियों को कुछ सिखाया है आपने, जब वो उससे अर्न करती हैं तो उससे बहुत खुशी मिलती है, तो उसी तरह से मैंने आज के टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी फर्स्ट अर्निंग की भी खुशी ले चुकी हूँ और फर्स्ट सैलरी देने की भी खुशी जो है वो मैं प्राप्त कर चुकी हूँ। और उसके लिए सबसे ज्यादा अगर मैं थैंकफुल करना चाहूँ तो अपने स्कूल की टीचर्स को, जिन्होंने मुझे इतना ज्यादा मोटिवेटेड रखा। उनकी कहानियां, उनकी लाइफ स्ट्रगल्स, जिसमें सबसे पहले वीना मैम का अगर मैं नाम लूं, वीना मैम वाज माय हिंदी टीचर और उन्होंने कभी मुझे एज अ टीचर वो कभी असाइन नहीं हुई मुझे स्कूल में, बट जितने भी हमारे कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें मैम ने मुझे ट्रेन करा हर जगह से और हर तरीके से ट्रेन करा, और वो जो मजबूती अंदर भर दी गई वो अब जाने का नाम नहीं लेती। एंड आई जस्ट वेरी गुड, वेरी गुड, जानी भी नहीं चाहिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज। हां एग्जैक्टली। तो सिर्फ 30 सेकंड्स की एक मैंने पोएम लिखी थी रात को जब आपने मुझे बताया, तो वो मैं बोलना चाहूंगी। श्योर श्योर श्योर, थैंक यू सो मच। ये सारे बैरियर्स जो मेरा क्वेश्चन था ना, वो सारे बैरियर्स ये सिर्फ चार लाइनों में आपके सामने रखूंगी मैं। क्यों उड़ने से तू डरती है, क्यों उड़ने से तू डरती है, ये जमी तो पंख कुचलती है। ना डर, ना डर तू घर के तानों से, ना बाहर के हैवानों से, तू चल, तू चल और बात कर अपनी उड़ानों से। क्यों उड़ने से तू डरती है, ये जमी तो पंख कुचलती है। रोकेगी हर कदम पर ये, रोकेगी हर कदम पर ये, टोकेगी हर डगर पर ये, ना रुक, ना रुक तू इनके डराने से, ना ही इनके बहकाने से, तू चल, तू चल और बात कर अपनी उड़ानों से। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग। थैंक यू ज़ीना, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल पोएम, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली एंड ब्यूटीफुली रिसाइट। थैंक यू सो मच। पहले मैं जीनत के लिए दो लाइन कहूंगी। जीनत ने इतना अच्छा बोला कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वह हैं जो घर से निकलते ही नहीं। इतना अच्छा जीनत ने कहा कि मुझे खुद इससे प्रेरणा मिली। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि मैं जो प्रिंसिपल बनी थी, मैं शायद उत्तर प्रदेश की पहली महिला थी जो बॉयज स्कूल की प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू दिया था। और जब मैं वहां पे इंटरव्यू देने गई थी, अब मैं गर्ल्स में हूँ, मैं बता दूं आपको, इस समय मैं गर्ल्स में हूँ, लेकिन मेरा चयन जब हुआ था आयोग से तो मैं बॉयज स्कूल की प्रिंसिपल थी और मेरी एज 32 थी। 30 के बाद ही प्रिंसिपल बन सकते हैं, 32। मैं वहां पर गई तो वहां पर इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि क्या आप बॉयज स्कूल चला पाएंगी, बॉयज विद्यालय चला पाएंगी। तो मैंने एक आंसर दिया, पता नहीं कहाँ से उस समय मेरे दिमाग में ये सब आया। मैंने कहा जब हमारी माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी पूरा देश चला सकती हैं तो क्या मैं एक स्कूल नहीं चला सकती। तो मुझे लग रहा शायद मेरे इसी इंटरव्यू इसी क्वेश्चन पे शायद मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैं वेट कर रही है, मैं भी मेरठ से ही हूँ मैम। और ऋचा मैम इज अ फेमस फेस हियर, और अब मुझे पता चला है नीरा मैम के लिए कि शी बिलोंग्स टू बागपत, और मैं जानती हूँ कि वो कैसा इलाका है क्योंकि मैंने वहां जॉब किया है। और अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर आके इतना खूबसूरत कर रही हैं मैम, तो देयर इज नो बार। मतलब मेरा कहना है कि जीनत बेटा ने बहुत खूबसूरत बोला, और मैं 46 एज पर होके भी जीनत से आज इंस्पायर्ड हुई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा है आपका कन्वर्सेशन। मैं IUF को रिप्रेजेंट करती हूँ ई न्यूज़लेटर की को एडिटर के रूप में, और जैन सर ने जो वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम हमारा रन किया है, ही ब्रिंग्स ऑल ऑफ अस टुगेदर। आप समझे कि हमारे जितने भी लोग हैं सब फीमेल्स हैं मैम। चल पाया, इट वाज अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस एक्चुअली, जहां से मैंने हर इंसान से मुझे सीखने को मिला। ऐसा कोई भी नहीं, इवन जीनत इज एक्सीलेंट, शी इज अ
मैंने कहा रोल मॉडल हो गई है आज यंग जनरेशन की लड़कियों के लिए। और थैंक्स मीना मैम, आप उनको उभार के आप लेके आई हैं एज अ टीचर, और टीचर का काम ही ये है जो आपने किया है। और हम लोग हर प्रिंसिपल, हम टीचर कहते हैं कि बच्चों को लेके आए, जेम्स को निकालना हमारा काम है। देखिए 1000 बच्चे हैं या क्लास में 40-50 बच्चे हैं, हर बच्चे को एक यूनिक, हर बच्चा यूनिक होता है, तो उनमें से निकाल के जब पोटेंशियल के लेके आना, वही टीचर का अचीवमेंट है मैम। ये केवल किताबी हम लोग पढ़ाते जाते हैं, दैट इज नॉट टीचरिंग। तो बच्चे का अचीवमेंट जब होता है वो दैट इज द मेन सक्सेस, और तब फील होता है कि यार हाँ मैंने एक अच्छा प्रोफेशन में हम लोग आए हैं इधर में। तो और ओवरऑल रिचा मैम को मैं बोलूंगा, शी हैज परफॉर्म्ड एक्सेलेंट, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया विद द टीम एफर्ट। मुझे दिख ही रहा है कि वीना मैम है, रितिका मैम है, कितने सारे ऑपरेशनल हेड है, एंड यू हैव फॉर्म्ड अ हायरार्की। और सबसे बड़ी अच्छी चीज है जो आप लोग के मैंने ऑर्गेनाइजेशन में देख रहा हूँ, सिस्टम को तैयार किया। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के बिना नहीं चल पाता है, और जब आपने सिस्टम बन के, अब देखिए वुमेन्स ग्रुप नहीं, आप लोगों ने सिस्टम तैयार किया है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम तैयार किया है, वुमेन्स नहीं। तो ये सिस्टम तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी बिजनेस करें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नौकरी करें, सिस्टम को जरूर फॉलो करें। और रही बात नीरा मैम की, बातें हैं इतनी सुंदर बातें उन्होंने बोली हैं, शी इज ऑल्सो अवर प्रिंसिपल हैं, उनको भी इतने एक्सपीरियंसेस हैं, और उनकी बातें भी मुझे बहुत अच्छी लगी। आगे आने वाले दिन में मैं आप लोग से भी सीखने को मिलेगा, और मैं चाहूंगा कि आप मेरे प्लेटफॉर्म में भी आइए, और हम लोग भी आपको कंटिन्यू करें और देश को आगे बढ़ाएं। इट्स नॉट, और सभी का बहुत बहुत आभार। इसी टॉपिक के साथ पार्ट 3 में हम फिर मिलेंगे अगले महीने। थैंक यू सो मच। आमीन।